लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, जी हाँ कोई किसी का नहीं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि हम किसके हुए। दोस्तों, इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है कि जब उसकी जरूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जब बात किसी की अच्छाई की चल रही हो तो सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर किसी की बुराई का हो तो गूंगे भी बोल उठते हैं। किसी इंसान की फितरत को पहचानना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि यहां लोग जरूरतों के हिसाब से अपने चेहरे बदलते हैं। अपने किए 100 गुनाहों पर पर्दे डालकर हर शख्स कहता है कि जमाना बड़ा खराब है। अगर कोई शख्स जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वह आपको धोखा दे दे या आपकी मदद के समय पलट जाए, तो ये मत सोचिएगा कि वह इंसान बदल गया। हकीकत तो ये है कि उसका नकाब उतर गया। दोस्तों, जब बुरा वक्त आता है तो ऐसे लोगों के नकाब उतरते हैं, तो ये बुरा वक्त बुरा नहीं है, ये अच्छा वक्त है जिसने आपको आने वाले कल के लिए सचेत कर दिया। उसने आपको बता दिया कि आप गलत व्यक्ति पर भरोसा कर बैठे हुए हैं। अजीब लोग हैं इस दुनिया में, अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं और खुशबू खुद की पसंद की तय करते हैं। अगर ढूंढना ही है तो परवाह करने वालों को ढूंढिए, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो खुद ही आपको ढूंढ लेंगे। यूं असर डाला है कुछ मतलबी लोगों ने इस दुनिया पर कि प्रणाम भी करो तो लोग समझते हैं जरूर कोई काम होगा। दोस्तों, हमेशा अपने हिसाब से जिंदगी जियो। लोगों की सोच का क्या, वह तो समय समय पर बदलती है। चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंक देते हैं, और अगर घी में गिरे मक्खी तो मक्खी को फेंक देते हैं। लोगों का काम है कहना। सिर उठाकर चलोगे तो लोग कहेंगे कि अकड़ कर चल रहा है, सिर झुकाकर चलोगे तो लोग कहेंगे कि किसी की तरफ देखता तक नहीं। तो कभी ऐसे लोगों की फिक्र मत कीजिए, वो कीजिए जो आपकी मन की आवाज कहती है, क्योंकि दुनिया में हर चीज उठाई जा सकती है दोस्तों, सिवाय गिरी हुई सोच के। कचरे में फेंकी गई रोटियां रोज ये बयां करती हैं कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात भूल जाता है। पैरों की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। टूटी कलम और दूसरों से जलन हमें अपना भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस और पैसों का लालच हमें महान नहीं बनने देता। और अपना मजहब ऊंचा और गैरों का मजहब ऊंचा, ये सोच कभी हमें एक इंसान बनने नहीं देती। ये जिंदगी भी बड़ी अजीब है। एक तरफ कहती है कि सब्र का फल मीठा होता है, वहीं दूसरी तरफ ये कहती है कि वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि यदि आपके चंद मीठे बोलों से किसी का रक्त बढ़ता है, किसी को खुशी मिलती है, तो वह भी किसी रक्तदान से कम नहीं है। यदि आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से उसकी थकावट दूर होती है, उसका मनोबल बढ़ता है, तो दोस्तों यह काम भी किसी श्रमदान से कम नहीं है। ठीक उसी तरह यदि आप कुछ भी खाते समय उतना ही प्लेट में लें कि जितना खाना हो, कुछ भी व्यर्थ ना जाए, तो दोस्तों यह भी अपनी तरह का एक अन्न दान है। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो आज अभी और इसी वक्त से प्रयास करना शुरू कीजिए। अगर अपने सपने पूरे करने हैं, अपना लक्ष्य हासिल करना है, तो ये बात अपने दिमाग में उतार लो कि सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, लेकिन लक्ष्य हासिल करने के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। यदि इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं, तो इस वीडियो को अपने मित्रों और परिचितों के साथ शेयर करके हमारे इस प्रयास का हिस्सा बने। तो अपने लक्ष्य की तरफ सकारात्मक सोच के साथ बढ़ते चलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक नई दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज। शैचर शैचर।